हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने नए टॉपिक पे वीडियो लाए हैं। तो हमारे पास ये है आर ट्रांजिस्टर का 3055, जो कि आज हम इसकी फिटिंग करके बताएंगे कि इसकी फिटिंग कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास है 3055 आर ट्रांजिस्टर का माइका, जो कि हमें ये ध्यान रखना है कि जिस तरफ इसमें बड़ा और छोटा बना हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े को बड़े की तरफ लगाना और छोटे को छोटे की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम एक माइका आपको करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, इधर छोटा है तो इधर बड़ा है। तो सबसे पहले हम छोटे को यूँ लगा लेते हैं, ये फिट आ गया, आप देख सकते हैं ये फिट आ गया। तो अब हम, ये हमारा 3055 का ट्रांजिस्टर है, तो ये हमारे पास एडसन है। तो अब हम सबसे पहले इसकी फिटिंग करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, हम एक ट्रांजिस्टर को उठाते हैं, हमने पहले इसमें ऑलरेडी माइका को सेट कर रखे हुए। तो चलिए देखते हैं हम इसे। तो हम सबसे पहले फिटिंग करने के लिए, फिर आप देख सकते हैं, हम इसे ऐसे करेंगे ताकि हमें पता चले किस तरीके से इसकी फिटिंग करनी है। तो हम इसको, ये इस तरफ से इसकी साइज सही नहीं आ रही है, तो हम इसे उल्टा करके देख लेंगे। इसमें ये सिर्फ ध्यान देना होता है कि कौन से साइज किस तरफ को आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, इधर से इसकी साइज आ रही है, तो हम इसको इधर से फिट करते हैं। ये हमारे पास 200 का स्पेशल है, 200 का पेच है, जो कि हम इसमें ऐसे फोल्ड करते हैं। सॉरी फ्रेंड, ये हमारा 300 का पेच है, तो इसे हम यहाँ फोल्ड करते हैं। ये हमारे पास इसका बुश है, जो कि काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं। इसको हम इसमें ऐसे पुश करते हैं। और ये हमारे पास 1/8 का नट है, जो कि हम इसमें फोल्ड कर देते हैं इसको। फिर वही प्रक्रिया हम फिर से करेंगे, इसमें इस तरीके से पेस्ट को डालेंगे, और डालने के बाद फिर यहाँ से बुश डालेंगे, और फिर 1/8 का नट। ये हमने पहला ट्रांजिस्टर इसमें कर दिया। अब दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए हम यहाँ से दूसरे ट्रांजिस्टर को उठाते हैं। दूसरे ट्रांजिस्टर को उठाने के लिए हम यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि ये उल्टा ना लगे। अगर ये उल्टा रहेगा तो ब्लास्ट हो सकता है। वही प्रक्रिया हम फिर से करेंगे, और यहाँ पे हम बुश लगाएंगे। ये हमने दो ट्रांजिस्टर कर चुके हैं। अब ये हमारा पास तीसरा ट्रांजिस्टर है, जो कि अब हम इसे भी यहाँ से फिट करेंगे। हम देख सकते हैं किस तरीके से हम इसे यहाँ पे फिट कर रहे हैं। उसके ये तीसरा भी हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें भी 3055 का पेस्ट डालेंगे, और एक इस तरीके से ये डालने के बाद हम इस दोनों को ऐसे पकड़ेंगे ताकि वो गिरे ना। हम यहाँ इस पर बुश को लगा देंगे। बुश को लगाने के बाद हम इसमें 1/8 का पेस्ट, यही प्रक्रिया हमें 8 ट्रांजिस्टर के साथ करना है। ये हमारा 3 ट्रांजिस्टर हो गया। अब हम 4th ट्रांजिस्टर उठा के उसी तरीके से करना है। Thank you.
ये हमने चार ट्रांजिस्टर कर लिया। तो अब हम पांचवे ट्रांजिस्टर को भी उसी प्रक्रिया के साथ में करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इस तरीके से इसको फंसाते हैं, फिर इसे ऐसे फोल्ड कर देते हैं। अब ये हमारे पास पेज है, पेज को भी हम इसमें ऐसे डालते हैं, ये बुश को इसमें करते हैं। फिर वही प्रक्रिया हम फिर से, तो इसे ट्रांजिस्टर को उठाते हैं, उठाने के बाद हम उसी तरीके से जिस तरीके से इसे फोल्ड किया है उसी तरीके से इसे भी कर देते हैं। फिर हम ये पेज को लेके इस तरीके से फोल्ड करके फिर ऐसे उसको हम ऐसे एक आठ की नट की मदद से हम इसे टाइट कर देते हैं। ये हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर जो कि हम इसे ऐसे करते हैं। अब यहाँ से भी हम इसमें बूस्ट, ये हमारा सातवां ट्रांजिस्टर है, हम आठवें ट्रांजिस्टर को फिट कर रहे हैं। ये हमारा आठवां ट्रांजिस्टर है जो कि इसमें हम इसे पुश करते हैं। अब देख सकते हैं आठवां हमने पुश कर दिया, पुश करने के बाद तेज उसके पेज डालें और ये बूस्ट पेस्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें आठ ट्रांजिस्टर को फिट कर लिया है, इधर से भी आप देख सकते हैं। तो अब हमारे सारे ट्रांजिस्टर ढीले हैं, जो कि सब ढीले हैं। अब हम इसे टाइट करते हैं। तो टाइट करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका टाइट करने के लिए ये एक आठ का पाना बोलते हैं, जो कि हम इसकी मदद से इसे टाइट करते हैं। तो आप देखें हम इसको कैसे टाइट करते हैं। ये इससे ढीला टाइट हो रहा है, तो इसके लिए हमारे पास नट और पेज टाइट करने के लिए एक मशीन है जो कि हम उससे टाइट करेंगे। जैसा कि फ्रेंड हमने इसको टाइट कर लिया है और ये अब ढीला नहीं है, आप देख सकते हैं इसे हमने फुल टाइट कर लिया। ये हमारा टाइट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सीख ही गए होंगे कि आठ ट्रांजिस्टर किस पर एडसन में किस तरीके से फिट करना है। तो फ्रेंड्स अब ये हमने इसकी तो फिटिंग कर ली है, ये हमारे पास है वोल्ट मीटर जिसकी मदद से हम इसे चेक करेंगे ये सही है कि नहीं सही है। हम आपको दिखाते हैं इसे चेक कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको चेक करके बताते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। तो सबसे पहले हम ये देखिए, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा ये है, तो फ्रेंड्स ये सही है। अब हम इसको चेक करते हैं, ये भी सही है, इसको चेक करते हैं ये भी सही है, इसे 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 चेक करते हैं ये भी सही है, तो सारे हमारे सही है। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देख लिया हमने इसे वोल्टमीटर से चेक किया और ये सारे ट्रांजिस्टर हमारे सही है। तो अब ये हमारा काम हो गया, आप देख सकते हैं इसकी हमने अच्छे से चेक कर लिया है और अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप फ्रेंड आप सीख ही गए होंगे तो इसे कैसे फिट करना है। तो चलिए फ्रेंड इसी तरह आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ।